हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स में आपका स्वागत है। क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स हर साल की तरह इंडियन आर्ट प्रमोटर्स के सहयोग से कला स्पंदन 2020 का नेहरू सेंटर मुंबई में 4 से 6 दिसंबर को आयोजन कर रहा है। क्रिएटिव आर्ट अफेयर एक नॉन प्रॉफिट आर्टिस्ट ग्रुप है जो बाय आर्टिस्ट एंड फॉर आर्टिस्ट है, और इसका मकसद है कि कला और कलाकारों को प्रोत्साहन देना, नए टैलेंट्स को ढूंढना और उन्हें सही प्लेटफॉर्म पे लाना, जिससे कि वो अपनी कला को नया आयाम दे सकें कि ढंग से हमें आगे बढ़ना है, किसी की गाइडेंस में किस ढंग से काम करना है। आज हम फ्यूचर मास्टर्स हैं तो कल हम मास्टर्स की कैटेगरी में कैसे आए, इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम जो यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं। सुदीप चक्रवर्ती जी, रामजी शर्मा जी, ये सारे बहुत ही मेहनत से जुड़े हुए हैं ये प्लेटफॉर्म को बनाने में, जो कि लोगों को एक नवोदित कलाकार को एक प्लेटफॉर्म देता है। कला स्पंदन आर्ट गैलरी में ये क्रिएटिव आर्ट अफेयर में ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन। फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमार नोएडा से हूँ। आज हम सारे आर्टिस्ट यहाँ पर कला स्पंदन आर्ट फेयर की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड एक आर्ट फेयर भी यहाँ पर अपने स्टॉल्स के साथ, अपनी पेंटिंग के साथ यहाँ पर आए हैं, और हमने यहाँ पर अपने सारे स्टॉल्स क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स की तरफ से लगाई है। सेंटर वरळी येथील क्रिएटिव आर्ट अफेअर्सची कला स्पंदन आर्ट फेअर कला प्रदर्शनाला भव्य जत्रेचं स्वरूप यावं अशा प्रकारचं भव्य आयोजन। कला स्पंदन आर्ट फेअर 2 नवोदित चित्रकारांना प्रत्यक्ष चित्रकारांकडून मार्गदर्शन मिळावं आणि त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देता यावं यासाठी प्रयत्न, या प्रयत्नांचं कौतुक हे व्हायलाच हवं। कलाकाराच्या अंगभूत गुणांना शोधून त्याला संधी देणं हे फार फार महत्वाचं आहे। नेहरू सेंटर वरळी येथील क्रिएटिव्ह आर्ट फेअर तर्फे आयोजित कला स्पंदन आर्ट फेअर क्षेत्रात उगवत्या कलाकारांना व्यासपीठ देऊन नवी ओळख प्राप्त करून देण्याचा स्तुत्य प्रयत्न। I am संजय मौर्य फ्रॉम मुंबई। मैं भी कला स्पंदन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ क्रिएटिव आर्ट अफेयर टीम की तरफ से, और ये बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है जो आर्टिस्टों को लोगों से जोड़ने का काम करता है, और इसमें देश विदेशों से बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म पे मेरा 4th साल है और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है यहाँ पे मुझे। संजय मौर्य जी ने मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है इधर मेरे कला को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स के बहुत आभारी हूँ। ये मेरा दूसरा मौका है यहाँ पर। मैंने पिछली बार भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और आई हैव फ्लोन डाउन फ्रॉम बैंगलोर स्पेशली टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जीबिशन। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एक्चुअली। देशातील तसेच परदेशातील कलाकार या निमित्ताने एका आर्ट गॅलरीत येतात आणि वैचारिक देवाणघेवाणीतून आपल्या समोर कलाविष्कार सादर करतात, हे खरोखरीच कौतुकास्पद। देखिए, आर्टिस्ट को आर्ट करना इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, लेकिन आपको वहाँ एग्जिबिट कैसे करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो सपोर्ट मिल ही जाता है सब चीज़ों का यहाँ पर। Then 40 national and international exhibitions, and this time, this is the first time I came to Mumbai and participating this art fair, and it's a very nice environment. या चित्र जत्रेच्या पार्श्वभूमीवर क्रिएटिव आर्ट अफेअर या संस्थेचं खरोखरच कौतुक करायला हवं। Paintings which I have made, I want my painting to speak, and for that I have given voice to my painting in the form of poems. Definitely, I have not done event with 5,000 people, but they keep asking me questions, okay, guidance later. मैं तो कोशिश करता हूँ
मैं जितने लोग को हेल्प कर सकूँ बता सकूँ फिर वो नहीं कि आदमी क्या है छोटा है बड़ा है। ग्रैंड इनॉग्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ VVIP गेस्ट्स। प्रेस कवरेज इन प्रिंट ह्यूज प्रेस कवरेज। द शो आवर क्रिएटिव टीम मेंबर्स क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स स्पेशल इनवाइटीज demonstration of skill and talents exclusive TV coverage recognizing the talents Thank you.